राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 3,432 नामांकन दाखिल हुए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जांच के दौरान 392 नामांकन निरस्त हो गए और 510 नामांकन वापस ले लिए गए। सही मापे गए 2530 नामांकन पत्र के हिसाब से अब 1526 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। चुनाव के दौरान कई बागी कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ रहे हैं। दोनों प्रमुख दलों के दिग्गज नेताओं ने काफी मान मनुहार की, लेकिन अब नाम वापसी की तिथि बीत चुकी है। यूं तो 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बागी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चित्तौड़गढ़ में आक्या दे रहे बीजेपी को टेंशन। चित्तौड़गढ़ सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक चंद्रमान सिंह आक्या का टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में आक्या ने बागी होकर नामांकन दाखिल किया है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी आक्या मानने को तैयार नहीं हुए। आक्या के चुनाव मैदान में डटे रहने से बीजेपी प्रत्याशी की सांसें अटकी हुई है। आक्या लगातार दूसरी बार विधायक है और उनकी जनता में पकड़ काफी अच्छी है। इस सीट पर कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह जड़ावता मैदान में है। सांचौर में बीजेपी सांसद का सिरदर्द बने जीवाराम चौधरी। सांचौर से बीजेपी ने लोकसभा सांसद देवजी पटेल को प्रत्याशी बनाया। पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी ने देवजी पटेल का भारी विरोध किया। बड़ी जनसभाएं और विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन पार्टी ने टिकट पर पुनः विचार करने से इनकार कर दिया। पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। वे देवजी पटेल के लिए मुसीबत बन गए हैं। सांचौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई है। शिव सीट पर बागियों से बीजेपी कांग्रेस दोनों परेशान। बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों से बागी चुनाव मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक अमीन खान को टिकट दिया तो फतेह खान बागी हो गए। बीजेपी ने स्वरूप सिंह को प्रत्याशी घोषित किया तो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए रविंदर सिंह भाटी बागी होकर चुनाव मैदान में कूद पड़े। ऐसे में दोनों ही दलों के लिए ये मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला है। उधर आरएलपी से जालम सिंह चुनाव मैदान में है। बसेड़ी में बेरवा बढ़ा रहे कांग्रेस प्रत्याशी की चिंता। बसेड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बागी ने पार्टी के प्रत्याशी की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक खिलाड़ी लाल बेरवा का टिकट काटकर संजय जाटव को टिकट दिया। बेरवा नाराज हो गए और बागी होकर मैदान में आ गए। इस सीट से सुखराम कोहली बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में मांगेलाल को टिकट मिलने से जोरी नाराज। अलवर जिले की राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक जोरीलाल मीणा का टिकट काट दिया। कांग्रेस ने मांगेलाल मीणा को प्रत्याशी बनाया तो जोरीलाल मीणा नाराज हो गए। वे निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े। बीजेपी से बन्नाराम मीणा उम्मीदवार है। बीजेपी के 14 बागी मैदान में। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बागी होकर 14 नेता निर्दलीय मैदान में है। बीजेपी केवल एक बागी को ही मना पाई थी। सांचौर बस्ती चित्तौड़गढ़ से लेकर पिलानी और फतेहपुर सहित 14 विधानसभा सीटों पर बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।